दोस्तों नमस्कार। आज की इस नई वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि योनो एसबीआई की तरफ से एक छोटी सी अपडेट दिया गया है, जिससे कि आप किसी को भी मनी ट्रांसफ़र करते थे योनो एसबीआई के माध्यम से, तो वहां पे आपको ओटीपी इंटर करना पड़ता था मैन्युअली। जैसे ही ओटीपी आया और आप अपने मैसेज में गए, वहां से ओटीपी लिए, उसके बाद सबमिट किए, उसके बाद आगे बढ़ता था पहले। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा जब किसी को आप पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे। अब आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नया अपडेट यहाँ पे किया गया। जब किसी को आप पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है आपको ओटीपी यहाँ पे ले लिया जाएगा। जैसे ही आप इंटर ओटीपी मैन्युअली पे करेंगे तो यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मैन्युअली आपको डालना पड़ेगा। अगर इस पर नहीं करेंगे क्लिक तो ऑटोमेटिक जो है आपको ओटीपी यहाँ पे ले लिया जाएगा, चाहे आप किसी को ट्रांसफ़र करें। अगर आप चाहते हैं कि हमको ओटीपी इंटर नहीं करना पड़े तो यहाँ पे इंटर ओटीपी मैन्युअली पे क्लिक ना करें, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका ओटीपी ले लिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हाल ही में ये अपडेट किया गया है योनो एसबीआई की तरफ से। तो मैं आपको ये छोटी सी अपडेट इस वीडियो में बताया कि अब जब आप किसी को मनी ट्रांसफ़र करेंगे तो पहले आपको मैन्युअली ओटीपी डालना पड़ता था। मैसेज बॉक्स में जाते थे, ओटीपी लेते थे, उसके बाद यहाँ पर इंटर करके कन्फर्म करते थे। लेकिन अब यहाँ पर आपका यहाँ पे इंटर ओटीपी मैन्युअली हो जाएगा। तो इस पर अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे ओटीपी ले लिया जाएगा। अगर आप इंटर ओटीपी मैन्युअली पे क्लिक करते हैं तो आपको खुद से इंटर ओटीपी करना पड़ेगा पहले के जैसा, तब आपको मनी ट्रांसफ़र होगा। तो ये अपडेट है योनो एसबीआई की तरफ से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही इसी तरह का आपको नया नया अपडेट योनो एसबीआई के बारे में देखने को मिलता रहेगा। धन्यवाद।